जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके में चोरों का बोलबाला इस कदर हावी है कि आए दिन चोर इलाके में बड़ी बड़ी चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। इस बार शातिर नकाबपोश चोरों के द्वारा एक उद्योगपति के दो दिन से बंद पड़े मकान को चोरी का निशाना और ठिकाना बनाया गया, जिसके बाद देर रात चोरों ने बंद मकान में सेंधमारी करते हुए बंद मकान के दरवाजे और ताले चटका कर घर के अंदर घुस गए और उद्योगपति के घर में घुसकर जमकर तांडव मचाते हुए लाखों के आभूषण और नकदी चुराकर शातिर चोर मौके से फरार हो गए। इस दौरान शातिर चोरों के द्वारा घर में घुसकर की गई चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। तो वहीं उद्योगपति के घर से लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थाना अध्यक्ष समेत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मुख्यालय छोड़कर फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों से घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के कस्बा खैर में मोहल्ला ओमनगर निवासी उद्योगपति आनंद शर्मा उर्फ मोनू के परिवार के दो दिन पहले घर पर अपने ताला जड़कर इधर उधर अपने बाहर घर से घूमने गए हुए थे। घटना की सूचना पीड़ित के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। चोरी की सूचना मिलते ही सीओ खैर आर के सिसोदिया सहित एसओ ब्रजेश और एसपी ग्रामीण परास बंसल पुलिस बल और फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है।